राम जी जाने को तैयार हुए, किसी ने कहा राम जी जा रहे हैं राजा जी, चक्रवर्ती सम्राट राम जी जा रहे हैं, तो गई मूर्छा। भूपति तब जागे बोली सुमंत्र कहन अस लागे। अरे सुमंत 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 तुम ही मेरी मदद कर सकते हो इस समय। पुनि धर धीर कहई नर नाहू कि लय रथ संग सखा तुम जाओ। जाओ जाओ तुम ही जाओ। तो सुमंत जी ने कहा क्या करना है राजन। बोले सुठी सुकुमार कुमार दो, मेरे मेरे बहुत सुकुमार बेटे हैं, और सुमंत्र वो जो जानकी है वो उनसे भी ज्यादा सुकुमारी है, बन के योग नहीं है ये लोग। सुठी सुकुमार कुमार दो, और जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देख राई बन फिरे उ गए दिन चारी। चार दिन से ज्यादा मत उनको करना, इससे ज्यादा नहीं सह पाएंगे, उनको वापस ले आना सुमंत, किसी प्रकार ले आना। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ राजा जी, वो नहीं आए तो, राम जी नहीं आए तो कोई मेरे बस की बात थोड़ी है कि मैं ले आऊं उनका। चिंता न करो, वो भी मैं उसके लिए बता रहा हूं। जाओ नहीं फिरई धीर दो भाई, और सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। राम जी बहुत सत्यवादी हैं, सच के ऊपर वो किसी को नहीं मानते, और ये उनका सत्य नहीं है, ये पिताजी का वचन है, मैं जानता हूं। मेरे वचन को कैसे मेरा राम ठुकरा देगा मैं जानता हूं, और राम जी नहीं आएंगे तो लक्ष्मण जी भी नहीं आएंगे मैं जानता हूं। राम जी को छोड़ के, राम जी सत्य को नहीं छोड़ेंगे और लक्ष्मण जी राम जी को नहीं छोड़ेंगे, दोनों बातों को मैं जानता हूं सुमंत। तो क्या करना जानते हो क्या? बोले तो तुम विनय करे हु कर जोरी कि फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जानकी को तो ले आना, जानकी को तो ले आना। तो उन्होंने कहा जानकी जी को कैसे लाऊंगा, जानकी जी भी नहीं आई तो। अरे उन्होंने कहा चिंता ना करो, वो थोड़ी विश्वामित्र जी महाराज के साथ गई थी कहीं जंगल में, हमारे दोनों बेटे तो जा चुके हैं तो थोड़ा अभ्यास है, जानकी जी तो सुकुमारी है, उन्होंने तो कभी जंगल देखा ही नहीं, उन्होंने तो सांप बिच्छू नाग सिंह ये सब देखा ही नहीं है। तो क्या होगा जब जानकी जी जंगल में जाएंगी, और जाने के बाद उनको ये सब देख करके डर लगेगा, तो जैसे ही डर लगे तो गर्म लोहे पे हथौड़ा तभी मार देना, मौका देखना कब जानकी जी डर रही। जब सी कानन देखी डराही तो कहे मोरी सिख अवसर पाई कि सास ससुर अस कहे संदेश पुत्री फिरी बन बहुत कलेश। देखिए चक्रवर्ती सम्राट, सास ने तो विदा कर दिया है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट सोच रहे हैं कि मेरे अकेले कहने में कहीं वजन कम ना रहे, तो साथ में सास ने भी कहा है कह देना, दोनों ने कहा है आ जाओ और कह देना, ये कह देना उनसे एक बात कि एक काम करो, अगर आपको हम लोगों से थोड़ी सी चिढ़ हो गई हो, किसी भी बहू को हो जाएगी भाई, आप उनके पति को भेज दोगे जंगल में 14 वर्ष तो कौन आपसे प्रेम करेगा। तो कहा अगर हमारा मुंह देखना ना चाहती है वो तो कोई बात नहीं, अपने पिताजी के यहाँ चली जाए। तो कहा और पिताजी भी अगर संस्कारी होंगे वहां से अगर वो इधर कर देंगे तो कहा फिर यहाँ आ जाए, फिर थोड़ी दिन रुक के फिर वहां चली जाए घूमने जो उनका मन करे। पितु ग्रह कबहु ससुरारी रहे जहां रुचि हो ये तुम्हारी यही विधि करे उपाय कदम्बा और फिर प्राण लंबा, बस वापस आ जाए जानकी, इतना कर देना। तो कहा अगर तीनों को नहीं ला पाया तो क्या होगा राजा जी। बोले अगर नहीं ला पाए ना तो ना ही तो मोर मरण परिणामा कछु न बसाई भये विधि बामा, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे सुमंत्र। और सुमंत्र जी निकले रथ चढ़ाई अति बेग अति रथ अति बेग पाई रजाय सुनाई सिर रथ अति बेग बनाई गय जहां बाहर नगर शिय समेत दो भाई। सुमंत्र जी महाराज ने माताओं बंधुओं दोनों को चढ़ाया, और दोनों को चढ़ाने के बाद चल पड़े सारे लोग पीछे लग गए। राम जी समझा रहे अरे जाओ जाओ, आप लोग क्यों पीछे आ रहे हो, वनवास हमको मिला है भाई, वनवास हमको मिला है आपको थोड़ी मिला है। लेकिन सब लोग दौड़ रहे नहीं नहीं हम भी चलेंगे। तो चलत राम लखी अवध अनाथा और व्याकुल लोग लगे सब साथा
कृपा सिंधु बहु विधि समझावही। समझा रहे फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। थोड़ी दूर जाते हैं फिर दौड़ के वापस ले आते हैं राम जी के पास। ये प्रेम है राम जी के प्रति। थोड़ी दूर आएंगे फिर भाग जाएंगे। राम जी ने कहा इनसे क्या करें, ये तो मान नहीं रहे। तो बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे वही प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, भगवान श्री राम ने निवास किया। और निवास करने के बाद माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बीच में अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आज कल और परसों दो दिन बचा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी देर हम लोग प्रयागराज की अगर धरती पे हैं तो थोड़ा केवट प्रसंग पे चर्चा करने बस पहुंच ही रहे गोस्वामी जी। ध्यान दीजिए क्या हुआ रात में। राम जी ने कहा ऐसा है मंत्री जी रात में चुपचाप निकल लो, इन लोगों को सोने दो और माया फेरी। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति की खोज मारी रथ हाके उताता, और आन उपाय बनी ही नहीं बाता। खोज मार के चलो, खोज मार के चलो। बेचारे सुमन जी भी भगवान को प्रणाम करके खोज मार के निकले। सुबह उठे सब लोग, अरे राम कहाँ चले गए, राम कहाँ चले गए। एक दूसरे को धिक्कार रहे, कोई उधर दौड़ रहा है कोई उधर दौड़ रहा है। राम राम कहीं चहुती सीधा वही, लेकिन रथ कर खोज कतौ नहीं पावही। पहले ही सुमंत्र जी ने खोज तो सारी लाइनें तो मिटा दी हैं, क्या करें क्या करें। कह रहे हैं अरे अरे एक ही एक ते ही उपदेशु कि तजे राम बहम जान कलेशु। अरे हम ही उनके ऊपर भोर बोझ बन रहे थे शायद, इसीलिए हमको छोड़ दिया। निंद ही आप सराह मीना, और धिग जीवन रघुवीर बीना। एही विधि करत प्रलाप कलापा, और आए अवध सहित परितापा। रोते रोते अवध आ गए। उधर राम जी आगे श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज से माताओं बंधुओं भेंट होती है। रात्रि में भगवान श्री राम वहीं निवास करते हैं, और जब निवास करते हैं तो रात्रि में लक्ष्मण जी महाराज और निषाद राज के बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है, उसे विद्वान लोग लक्ष्मण गीता के नाम से भी जानते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद माताओं बंधुओं सुमंत्र जी महाराज देखते हैं। सुमंत्र जी महाराज को लगता है कि अब दो दिन हो गए हैं, और दो दिन में हो सकता है आटे दाल का भाव समझ में आ गया हो राम जी को, जंगल में कितने कष्ट है समझ में आ गया हो। तो अब मैं जाता हूँ और अब जाके कह दूंगा कि अगर आपका मन प्रसन्न हो गया हो, आपका सब निकल गया हो अरमान, चले वापस, मैं इसीलिए रुका था आपके लिए। या वो उनको थोड़ा ढीला देखूंगा तो कह दूंगा मैं। लेकिन देखते हैं कि राम जी तो और जटिल हो गया उनका वैराग्य, वो तो और जटाजूट बना लिए। तो जब जटाजूट बना लिए तो सुमंत्र जी रो पड़े और रो करके चरणों पे गिर गए, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए, ये सब राजा जी का किया धरा है, वो मुझे भेजे थे। और प्रभु अब वापस चलिए, वापस चलिए, चार दिन की बात थी अब आप चलिए, नहीं तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, सत्य सत्य से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं, धर्म ना धूतर सत्य समाना, किसी प्रकार समझाया। अरे कहा लक्ष्मण जी, देखा केवल लक्ष्मण जी की ओर, तो लक्ष्मण जी ने तो और बुरा फटकार दिया। कहा जानकी जी, तो जानकी जी ने कहा ऐसा है प्रभु कि आपके बिना मैं नहीं रह सकती है, मैं पहले भी कह चुकी हूं मैं नहीं रहूंगी। अब माताओं बंधुओं जब सबने इस प्रकार से फटकार दिया सुमंत्र जी महाराज को, जब फटकार दिया सबने तो सुमंत्र जी महाराज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें। जतन अनेक साथ हित कीन है, लेकिन उचित उतर रघुनंदन दीन है। अब क्या कर रहे हैं, मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, लखन राम सी तही सिरुनाई, और फिरे उपनिक जिमि मूर गवाई। जा रहे फिर पलटते हैं, राम जी कहते हैं सुनो सुनो जल्दी जाओ इधर से, आप
जैसे कोई न जाना चाहे तो हम लोग जबरदस्ती भेजते हैं ना, उस प्रकार बारो बस राम सुमंत्र पठाए, जाओ 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 जाओ। अब होता क्या है, मान लीजिए इस दृश्य को आप उदाहरण के तौर पे, वैसे तो वहां पे भी वो दृश्य है लेकिन यहाँ फिर से उदाहरण के तौर पे समझिए कि जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के बाद जब विदाई होती है ना कन्या की, तो कन्या की विदाई के समय वो लोग रोते हैं भाई, कन्या रोती है और सासुर उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो रोते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो रोते हैं, तो कहते रहे बिठाओ बिठाओ इनको जल्दी जल्दी ले जाओ, ऐसा क्यों नहीं करते आप, कहते रहे भाई थोड़ी देर और रो लेने दो। कारण ये है कि जितना उनकी रो, ऐसा थोड़ी कि दो घंटा रोएंगे तो रोना बंद हो जाएगा उनका भी, उसका सन रात भर रोते रहेंगे वो चाहे, इसलिए कहते जल्दी जल्दी बिठाओ, अरे गाड़ी चलाओ आगे निकालो आगे निकालो, जल्दी चलो भाई निकलो भाई। उसी प्रकार राम जी देख रहे हैं कि सुमंत्र जी महाराज बच्चे की तरह रो रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती भेज रहे हैं। उधर से कह रहे गाड़ी मंगाओ भाई जल्दी चलो निकलो यहाँ से, यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो बर बस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप चली आए, तो जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो मांगी नाव, लाओ भाई नाव लाओ, कहाँ हो जल्दी करो वापस जाना है। न केवट आना, केवट आ ही नहीं रहा, निषाद जी की तरफ देख रहे हैं, निषाद राज की तरफ, निषाद राज क्या मामला है, केवट क्यों नहीं आ रहा है। मांगी नाव न केवट आना, क्यों नहीं आ रहा भाई। केवट कहता है प्रभु ये नाटक हमारे सामने मत करिए, कहिए तुम्हार मरम मैं जाना, आपका सारा मरम मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। सब लोग कह रहे हैं क्या मरम मालूम है, केवट को वो मरम मालूम है माताओं बंधुओं, जिस मरम को पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमो न जाने कोई, वो मरम मालूम है केवट को। ये कैसे हो गया, निज निज रुख सब राम ही देखा धनुष्यज्ञ, को न जान सो मरम बिसेखा, वो वाला मरम कह रहा है ये, कही ये तुम्हारो मरम मैं जाना, अरे जग पे खन तुम देख निहारे, वाल्मीकि जी महाराज भी कह रहे, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ नहीं जानई मरम तुम्हारा। और केवट कह रहा है कि कही ये तुम्हार मरम मैं जाना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, सो ये अधम केवट की मिजाना, जो कोई नहीं जान पा रहा है ये केवट आखिर बोल कैसे दे रहा है कि कहिए तुम्हार मरम मैं जाना, तो मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम मैं जाना। तो राम जी ने कहा अरे क्या 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 मरम जानते हो, क्या जानते हो भाई कुछ बताओ। तो केवट कहता है प्रभु कुछ नहीं, ये जो चरण कमल, ये चरण कमल है ना, तो प्रभु ने कहा ठीक तो है मेरे चरण कमल, इसमें क्या दिक्कत है। खाली चरण कमल नहीं राज, इसमें जो धूल लगी है ना गड़बड़, ये धूल करती है, चरण कमल धूल नहीं कर रहे। क्या मतलब, केवट कहता है हाँ प्रभु ये रावरे दोष ना पायन को, कविता वाली अयोध्या कांड को स्वामी जी लिखा, रावरे दोष ना पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, और पाहन ते बन पाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पत्थर तरा दिया था आपने, पत्थर से स्त्री कर दी थी, लकड़ी ज्यादा कोमल होती है। तो सादर पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु हो तो कहाँ है, तुलसी सुनी केवट के बरु बहनो, हंसे प्रभु जान की होर हा है। प्रभु हंस रहे हैं केवट का ये कौतुक, केवट की ये चालाकी देख के, उसका ये विनोद देख करके वो कह रहा है प्रभु ये चरण कमल रज कह सब कहीं, कि मानुष करनी मोरी कछुआ है। मैं नहीं कहता ये सब कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा प्रभु। तो उन्होंने कहा अच्छा किसने कहा ये, अरे कहा सब कहा भी नहीं मालूम है, हुआ है ऐसा, हम थोड़ा इज्जत बचाने की बात आपकी कर रहे हैं, तो आप सभी सुनना चाहते सभी सुन लीजिए फिर। बोले छुअत सिला भाई नारी सुहाई, और पाहन तेन
काठ कठिनाई तरनी मुनि घर नहीं हो जाए। प्रभु एक बात बताइए, तरनी तो जाए मेरी, नाव जाए मेरी, अब घर नहीं मिले उस मुनि को किसी को। अरे भाई अगर उसके बदले में हमको कुछ मिल रहा होता तो भी एक बात समझ में आती कि सौदा हो रहा है कुछ। नाव जाए मेरी अब मिल जाए मुनि को, ये कौन सी बात हुई। तरनियो मुनि घर नी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपाल सब परिवार, और नहीं जानू कछु और कबारू, मैं और कुछ जानता भी नहीं हूं इसके अलावा कोई कारोबार। प्रभु तो कहा तो अरे केवट तो पार तो हमें जाना ही है। तो उसने क्या कहा जानते हैं, केवट ने कहा आप भी, अरे भाई हमारा धंधा, वैसे तो हम धंधा करते हैं, वैसे तो हम कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन ईमानदार हैं। क्या मतलब। कहा प्रभु एक बात बताइए, काहे आप नाव करने जा रहे हैं, कोई आप वहां नौकरी करने जा रहे हैं क्या जंगल में, वनवास 14 बरस काटना है, पैसे बचाइए भाई। तो कहा क्या मतलब। कहा मतलब ये कि जहां आपको जाना है उसके लिए नाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इतना गहरा पानी ही नहीं है, हम ईमानदार हैं आपको बता दे रहे हैं। नहीं तो दिल्ली में क्या होता है जानते हैं, दिल्ली के तो आप लोग हैं, स्वामी जी भी हैं, हम लोग तो 2-4 बार जा चुके हैं, कुछ लोग करते होंगे, सब नहीं करते, लेकिन उन कुछ लोगों की बता दो, ऑटो में बैठेंगे तो आप कहेंगे अरे हमको यहां तक जाना है बस, तो लगा के राउंड पूरा और ला के वहां छोड़ के 500 रुपए का बिल बता देंगे, यहाँ 50 रुपए में 100 रुपए में जा सकते हो। तो केवट भी कह रहा है कि हम दिल्ली में वो ऑटो नहीं है, हम केवट हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। अरे आप उनसे कहेंगे भी ना, कुछ लोगों से क्या हमने अपने मीटर से चलाओ, मीटर लगाओ, तो कहें मीटर से नहीं चलाएंगे। अरे भाई जब मीटर लगाए तो मीटर से ऑटो चलाओ ना, नहीं हम उससे नहीं चलाएंगे। तो यही बात, देखो ऐसा है प्रभु, आपको जहां जाना है वो कोई दूर नहीं जाना है, बिल्कुल बगल में आपको जाना है, उसके लिए कि आप नाव कर रहे हैं, जबरदस्ती खर्चा कर रहे हैं, कहां जाना है। केवट कहता है यही घाट ते थोड़ी को दूर है, कविता वाले कान को सामने, यही घाट ते थोड़ी को दूर है, और तो कहा कि दूर तो हो चाहे पास हो, डूब तो जाएंगे, कमर तक पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं, कटी लो जल था दिखाई हो जू, और पर से पग धूरी तरह तरनी घर नी घर क्यों समुझाई हो जू, तुलसी अवलंब ना और किछु लरिका के ही भांति जी आई हो जू। तो तुलसी तुलसी अवलंब न और कछु लरिका के ही भांति जी आई हो जू, बरमारी मोही बिना पग धोए हो नाथ ना नाव चढ़ाई हो जू। अगर आप कहेंगे बिना पैर धोए तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, चाहते क्या हो केवल, बोले जो प्रभु पार अवसी गा चाहू तो मोही पद पदुम पखारन कहो। आप कहिए हमसे, हम आपके पैर पखारे, ऐसा कहिए आप कहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा केवट तुम जानते नहीं हो, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश इन चरणों का दर्शन करने के लिए, इन चरणों का स्पर्श करने के लिए न जाने कितने युग युगांतर की तपस्या कर रहे हैं, अब हम चुपचाप खड़े हैं, मौका पाया है तुमने, आके तुरंत धो लो भाई। मान लीजिए स्वामी जी हैं कहीं भीड़ में हैं तो आप मौका पाके तुरंत चरण स्पर्श करते हैं कि आप कहते हैं कि स्वामी जी आप हमारे पास आइए तब हम बैठे हैं, हम आपके चरण धोएंगे या पिएंगे या उसको प्रणाम करेंगे, मौका पाओ भीड़ में कर लो। तो कहा कि केवट मौका है, मौके पे चौका लगा दो और तुरंत कर लो, पैर धो लो, हम कुछ कह नहीं रहे, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या करते हैं। तो केवट ने कहा प्रभु करते होंगे वो, उनकी गरज है जो तपस्या करते हैं वो, इस समय आपकी गरज है, आप हमसे कहिए पार किसको जाना है, आपको जाना है कि हमको जाना है, आपको जाना है ना। जो प्रभु पार अवसी का चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। तो भगवान राम ने कहा केवट तुम भी कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हारे भले की एक बात बता दें, तुम अभी भोले हो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा केवट, अरे केवट ये गंगा माता की रेत है, और ये गंगा माता की रेत जब तक सूखी होती है ना तब तक पैर में धूल नहीं, रेत नहीं चिपकती,
और जैसे ही गीली हो जाती है तो केवट उसमें फिर नाव गंदी हो जाएगी तुम्हारी, ये तो समझो। केवट ने कहा प्रभु आप उसकी चिंता मत करिए, मैं क्या करूंगा जानते हैं आप? तो कहा क्या करोगे केवट? बोले मैं पद कमल धोई, और जिस पद कमल को धोऊंगा ना उसको मैं अपने कंधे पे रखूंगा, जैसे होता है ना कि यूं हाथ पे रख के और चढ़ा देते हैं। तो कहा ऐसा करूंगा कि मैं उस चरण को रखूंगा कंधे पे और फिर दूसरे से आपको चढ़ा दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। तो भगवान ने कहा कि ये बहुत बहुत गड़बड़ आदमी है, यहाँ उतराई देने के पैसे के तो लाले पड़े हैं मेरे पास, और ये चढ़ाई और अपना इसने नया निकाला। आप लोग बाल बाल कटवाने जाते हैं ना जब, या किसी बड़ी होटल में जाते हैं, कभी किसी मेहमान के साथ फंस जाएं बड़ी होटल में तो वहां पे भी समझिए बर्बाद हो गया। अगर सर सलाद लाऊं, पापड़ लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, अब मना कैसे करेंगे कि मत लाओ, सामने मेहमान बैठा हुआ है, वो भी नहीं कर सकते। खाने आए थे दाल रोटी चावल और पापड़ सलाद और स्टार्टर का पैसा उससे डबल हो गया, लगा दिया उसने। ऐसे नाव के आ जाओ, सर ये वाला परफ्यूम लगा दूं, ये वाली क्रीम लगा दूं, ऐसे कर दूं, वो लगा दूं। हम लोग कहते लगा दो लगा दो लगा दो, बाद में बाल काटने से ज्यादा वो परफ्यूम और उसका वो छोड़ लेता है सब। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कुछ नहीं की केवल फिटकर ही रगड़ दो, हमें कुछ नहीं करवाना। समझदार लोग सीधे यही कहते भैया फिटकर ही मारो, जय जय सीताराम। तो केवट भी कह रहा है कि चढ़ाई चढ़ाई, अरे चढ़ाई के पैसे नहीं है। अरे कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, चढ़ाई अरे मैं उतराई भी नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात बताओ, अभी तो यहाँ तुम कर रहे हो और वहां जाकर के पलट गए, तो वहां तुम वहां मुकर गए, तो अब दिल्ली की बताइए तो थोड़ा वृंदावन की भी बताई दो। वृंदावन में जाइए आप ऑटो करके, तो ऑटो करके निकलेंगे कितना, 100 रुपए 150 रुपए जो भी बोला उन्होंने। और जैसे जैसे आप जाने लग जाएंगे ना, अरे महाराज 50 रुपए और लगेगा, यहाँ का तो आपने बताया नहीं था, ये तो इतने आगे आ गया, ये तो यहाँ आ गया, चाहे जाना वहीं हो। 70%, 30% बेचारे ईमानदार रहते हैं जो बिल्कुल जितना जुबान हुई है उस पर बात करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके, अरे भैया टीवी पे आ रहा है वही, इसीलिए मैंने कह दिया 30%, पता लगा मेरे को खोजने लग जाए ऑटो वाले वहां वृंदावन में। तो मतलब 30% अच्छे हैं, वो 30% ही हम लोगों को मिलते हैं। तो ऐसा दूसरों ने कहा है, मैंने नहीं, चरण कमल रज कहां सब कहीं, मैं नहीं कह रहा, ध्यान दीजिए। तो मैं ये कह रहा था लक्ष्मण जी ने कहा एक बात, तो केवट वहां जाके पलट गए तो? अरे केवट ने कहा नहीं पलटूंगा प्रभु। तो कहा नहीं पलटोगे? तो बोले हाँ हाँ नहीं पलटूंगा। कहा जिम्मेदारी कैसे नहीं पलटोगे बोलो? अरे बोले प्रभु आपकी कसम। तो बोले अच्छा, तो बोले नहीं विश्वास लाने, तो बोले ठीक है फिर आपके बाप की कसम। मोहि राम रावरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। आपकी कसम, ना मानो तो आपके बाप की कसम। तो लक्ष्मण जी ने कहा केवट आप, हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, कोई एकदम से कह दे कि बाप के बारे में कोई बात कर दे तो हम लोग कहते ना गए बाप तक कैसे गए तू, हम लोग तुम्हारे बाप का है क्या? तो हम लोग एकदम तन जाते हैं कि बाप तक कैसे गए, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को आया क्रोध, बाप तक कैसे चले गए तू, बाप का कैसे नाम ले लिया, मार दू अभी, मार दू अभी तीर, खत्म करो अभी यही। केवट ने कहा तुरंत मार दीजिए प्रभु, बरु तीर मार ही लखन पे, तुरंत मार दीजिए, तुरंत मार दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रभु, जिस समय आप तीर मारेंगे ना और मेरी मृत्यु हो गई तो ये मेरी मृत्यु अमर हो जाएगी। अमर क्यों का, इसलिए अमर हो जाएगी प्रभु क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है ना तो मर्डर केस का जब मुकदमा अदालत में जाता है तो जज साहब 3 चीजें बड़ी मुख्य पूछते हैं। पहली चीज पूछते हैं किसने मारा, दूसरी पूछते हैं कहां मारा, और तीसरी चीज पूछते हैं कि गवाह कौन है भाई, कौन इसकी गवाही देगा। तो वहां जब पूछा जाएगा कि केवट को किसने मारा तो पता लगेगा भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी महाराज ने मारा, आप बताइए अमर नहीं होगी। फिर पूछा जाएगा कहां मारा तो पता लगेगा कि इस गंगा की रेत में,
इस गंगा की गोद में जहाँ बड़े बड़े तपस्वी आके साधना करते हैं वहां मेरी मृत्यु हो रही है, आप बताइए अमर नहीं होगी? और फिर पूछा जाएगा कि गवाह कौन है, तो पता लगेगा कि साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी जिस मृत्यु के गवाह हो, उस केवट की मृत्यु अमर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बरु तीर मार ही लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तो सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। ध्यान दीजिएगा, प्रभु मुस्कुराए देखकर किसकी ओर? जानकी लखन तन। क्यों मुस्कुराए भगवान? इसलिए मुस्कुराए क्योंकि माता जानकी और लक्ष्मण जी जब से कह रहे थे कि प्रभु आप इतना सुन क्यों रहे हो इसकी, ये केवट इतनी देर से आपसे बहस किया जा रहा है, आपकी वजह से हम कुछ बोल नहीं रहे, अरे इसको डांटो, अरे इसको कुछ कहो, अरे ना उलाए, क्या आप चरण पकड़ना, क्या आप इसकी बात मान लेंगे? अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देख लो ये मान नहीं रहा है हमारी बात। और बात ना मानने की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? आपको भी हमने समझाया था कि मत जाओ, अब आपको भी समझाया था कि मत जाओ, अब आप लोगों ने परंपरा प्रारंभ कर दी बात ना मानने की, आपको जबरदस्ती लाना पड़ा कि नहीं? अब आप बताइए कि आपकी बात मैं मान लूं और इस केवट की बात यदि अब मैं नहीं मानूंगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि प्रभु अपनी पत्नी और भाई की बात तो मान लिए, अब केवट कह रहा है तो उससे चरण नहीं पकड़वा पा रहे, ये सब आपके कारण है। कहावत है जैसा बड़ वैसा बाड़ा, हम लोग कहते हैं जैसा आप उदाहरण पेश करेंगे वैसे ही नीचे वाले देखेंगे। तो चितई जान की लखन तन, भगवान ने कहा ऐसा है, देखो ऐसा है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई कि सोई करुते ही जवन जही तव नाओ न जाई, अरे बेगी विलंब उतारहु बेगी यानी जल पाय पखारू, और हो तो विलंब उतारहु पारू, जल्दी 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 उतार दो, जल्दी जल्दी उतार दो, वाह वाह। जब केवट को कह रहे हैं केवट जल्दी कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, जैसे तुम्हारी नाव बचे वो बचो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देखो तो आज प्रभु श्री राम को, ये वही प्रभु श्री राम है जो नाम अजामिल तेखल कोटि अपार नदी भव भव बूढ़त काढ़े। बड़े बड़े अजामिल को, बड़े बड़े खलों को जिनके नाम ने तार दिया, नाम अज कविता वाली अयोध्या कांड, नाम अजामिल तेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, और जो सुमिरे सिरी मेरु सिलाकन हो तो अजाखुर पारिधि बाढ़े, तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तर नीचे हरे अघ गाड़े, सो प्रभु स्वये सरिता तरिवे कहां मांगत ना वो करारे होए ठाड़े।